याद है चंदा, किडो कितना शांत और सुशील सा था ना, मगर कायरा पटाका थी। अभी भी वैसी की वैसी है। पटाका करेक्ट कहा, और मेरे साथ तो सबसे ज्यादा गुस्सा, मुंह बनाना, चिढ़ना। तुम बच्चों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कितना टफ काम है एक पेरेंट होना, एंड इट्स नेवर एंडिंग, कभी खत्म ही नहीं होता। वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट, नो छुट्टी। क्यों अशु, ऑल पेरेंट्स शुड बी अवार्डेड अ पद्म भूषण। आई लव द फूड। तो खत्म कर दो ना, जस्ट एंड इट। पेरेंट होने का काम खत्म कर दो ना, बच्चे पालना इतना टफ काम है, तो जस्ट एंड इट ना, जस्ट एंड इट। किसने कहा है पेरेंट्स बने रहने को, किसने कहा है? एक तो काम ठीक से शुरू नहीं किया, और फिर आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों कंटिन्यू किए जा रहे हो। जस्ट एंड इट, पुट एन एंड टू इट। जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो, और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि ये मुंह बनाती है, ये करती है, वो करती है। बच्चे पैदा करने का आइडिया किसका था? आपका, करेक्ट? और फिर जो चाहा उनके साथ किया, व्हाटएवर यू वांटेड, ओके? और फिर ब्लेम भी हम पे ही डालते हो। एंड इट्स टफ है। व्हाट डू यू मीन बाय टफ है मैन? टफ है माय फुट? हाउ कुड यू जस्ट अबैंडन मी? कैसे किया आपने ये? हाँ, कैसे किया आपने ये? मुझे छोड़ के कैसे जा सकते थे आप दोनों? और वापस भी इसलिए लिया क्योंकि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में फेल हो गई। यस, आई फेल द सेकंड स्टैंडर्ड। बाप रे, शेम शेम, डम कायरा फेल द सेकंड स्टैंडर्ड। इतनी शर्म की बात थी आपके लिए? हाँ, कि आप ऑल द वे वापस आ गए इंडिया ओनली बिकॉज आई फेल द सेकंड स्टैंडर्ड। और जब मैं फाइनली खुश थी, पैपी और नानी के घर में, मुझे वहां से भी ले गए, उनसे दूर कर दिया। यस, पद्म भूषण जस्ट फॉर दैट। और एक पटाखा, एक्चुअली बॉम्ब है मेरे पास। आर यू रेडी? आई हैव बिगन थेरेपी। यस, मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही हूं। तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले, तो जस्ट सेव टू मी राइट नाउ, सिट ऑन माय फेस, कम ऑन, सिट, सिट। आई एम क्रेजी, कुकू, कायरा गॉट मैड, मैड। यही सोच है ना आप सबकी? मुझे सिर्फ पागल समझते हो। थोड़ी सी इमोशनल है वो, जॉब भी नहीं है ना अभी। दैट जॉब है, ये चॉइस है अभी उसकी जॉब ना करने की, ओके?